हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अभी अंबिकापुर में SBI बैंक कलेक्ट्रेट ब्रांच है उसके सामने हूँ। आप देख सकते हैं ये सामने में SBI बैंक है और यहाँ पे अभी सभी संविदा कर्मियों का हड़ताल चल रहा है और हड़ताल के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तब तक आप पूरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए, मैं ब्लॉग भी बनाते रहूंगा और हड़ताल के बारे में भी बताते रहूंगा। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल 3 तारीख से कल से शुरू हुई है, आज दूसरा दिन है और ये कलेक्ट्रेट के पास ही यहाँ अंबिकापुर में हड़ताल करते हैं और हम लोग स्वास्थ्य कर्मी से लेके सारे विभाग, जितने भी विभाग हैं छत्तीसगढ़ शासन में जो भी संविदा कर्मी हैं तो उनके द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा ये वादा किया गया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जितने भी संविदा कर्मी हैं सबको रेगुलर कर देंगे, परंतु ये उनके 4 साल लगभग समाप्त हो चुके हैं लेकिन अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। तो इसी सिलसिले में सभी संविदा कर्मी अभी हड़ताल में जुड़े हैं और ये राज्य स्तरीय हड़ताल चल रही है और अंबिकापुर में जितने भी सरगुजा ज़िले के कर्मचारी और अधिकारीगण हैं जो सभी विभागों में कार्यरत है संविदा कर्मी, उनके द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच कलेक्ट्रेट ब्रांच है और यहाँ पे हड़ताल किया जा रहा है। आप देखिए कुछ गाड़ियाँ डॉक्टर की भी लगी है, सभी को यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हमारे हर तरह के जुड़े हुए हैं जो साथी थोड़े से पीछे में अपने भी बातचीत में मशगूल हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुंह को इधर करें, कृपया मुंह को इधर कर लें। ये आंदोलन है, आंदोलन के प्रति आप सचेत रहिए। आदरणीय धनेश प्रताप सिंह जी का इस समय से मैं स्वागत करता हूँ, आदरणीय महेंद्र प्रताप सिंह जी का स्वागत करता हूँ, संभागीय अध्यक्ष की उपस्थिति भी हम लोग के बीच में है, आदरणीय समत कांतिवारी जी, सभी ब्लॉक से ब्लॉक के अध्यक्षों लोग उपस्थित हुए हैं, सभी इस व्यवस्था में शरीक है, सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। विभाग के मुखिया, शासन के मुखिया जब विदेशों में जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग का वहां पर जो संरचना के लिए जाते हैं, थाईलैंड का स्वास्थ्य विभाग कैसा कार्य करता है और सोलह का स्वास्थ्य विभाग कैसा कार्य करता है, अमेरिका का स्वास्थ्य विभाग कैसे कार्य करता है और इंग्लैंड का स्वास्थ्य विभाग कैसे कार्य करता है। मैं बदलाव कर रहा हूँ, जब से स्वास्थ्य कर्मचारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, कुछ लोग कुछ प्रक्रिया को भ्रम था, 10 दिन में हमारी सरकार कोरोना काल में हमने दिखा दिया, हमने प्रदर्शित करके हमने दिखा दिया कि स्वास्थ्य कर्मचारी उसके बावजूद ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको जो है कहीं पीछे देखना नहीं पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ सरकार को कई उपलब्धियाँ जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में मिले हैं, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है, इसका श्रेय हम लोगों को जाता है। हम लोग जाते हैं तो देखते हैं यहाँ की नौकरी 10% कम दर पे कराया जाता है, बहुत जगह प्रचार है जो कि वाले बात कर रहे हैं। जो भी कर्मचारी हैं हड़ताल कर रही है, यहाँ पे देखिए बैनर लगे हैं, इतना अच्छा काम कर रही है कि डिलीवरी की जरूरत पहले हॉस्पिटल में डिलीवरी कम आ रहा है, बैनर लगे इस कारण से ऑफर मिली है कि यहाँ डिलीवरी का बड़ा करके दिखा रहा है, यहाँ ऑपरेशन फ्री में चलाया जाता है क्योंकि एक तरह से इतने कर्मचारी हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में आने का मौका बहुत कम लोगों को लग पाता है। तो अगर ऐसा स्थिति हम लोग उत्पन्न किए हैं, स्थिति बना दिए हैं, तो सरकार को चाहिए कि हम लोग का हड़ताल जो है ये हम लोग की मांग को माने और हड़ताल मानव रूप में वापिस कराए, सभी सरकार की जवाबदारी बनती है।
और सरकार की जानकारी नहीं मिलती है तो पुनः मैं ये बोलना चाहूंगा तुरंत कहां तक ताला जाए कर रहे हैं, लेकिन मानदेय भी कम दिया जा रहा है और नियमितीकरण में भी ठगा जा रहा है, चला जा रहा है पिछले चार साल से। शासन काल में पे सरकार की शासन काल आने से पहले घोषित किया गया था कि अनियमित को नियमित दो दिन में कर दिया जाएगा, एक दिन में कर दिया जाएगा जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, लेकिन वर्तमान अभी साढ़े चार साल हो गया है, नियमितीकरण का कोई जारी नहीं हुआ है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा में है, सभी सेवा दे रहे हैं, सभी को नियमित करें और अपने वादा को पूर्ण करें। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं कृपया सामने आ जाए, पंडाल में बैठे हैं जितने भी संविदा कर्मचारी पीछे में है। टेंट लग ही रहा है, नारा लगा रहे हैं सभी संविदा कर्मी बैठे हुए हैं।